मैडम बताएंगे, जांच टीम आई है, क्या कुछ जांच में पाया गया यहाँ पे, क्या कुछ मिला? स्टेट से जो है जांच टीम गठित की गई है और फिर जांच टीम के सदस्य यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी जांच शुरू हुई है तो जांच में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। जैसे जांच शुरू होती है तब इसका रिपोर्ट नहीं चल पाएगी। क्या नज़र आ रहा है मैडम देखने में आप लोगों के सामने में, क्योंकि कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या कहें? टेक्निकल जो टीम है वो टेक्निकल चीज़ों की जाँच कर रही है कि रीज़न अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है कि कोई अन्य कारण है। टेक्निकल लोग जब अपना काम देख लेंगे, जाँच कर लेंगे, उसके बाद ही क्लियर। मैडम एक डॉक्टर है जिनकी बहादुरी की वजह से 30 लोगों की जान बचाई जा सकी, उनके लिए आगे कुछ क्या रहेगा? जी बिल्कुल, उनका नाम जो है आगे प्रशंसा पत्र या प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, यहाँ पर भी मैंने 2-3 लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ की जो स्टाफ है खासकर डॉक्टर शर्मा जो है उनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। डेफिनेटली उनके प्रोत्साहन के लिए आप कुछ। कुछ मरीज के परिजनों से मैडम हमने जब बात करी थी तो कहना था उनको कि वहाँ पर डीजल भी फैला पड़ा था, तो ये डीजल कहाँ से आया और कैसे आया? पहले जमीन पे आग लगी थी बता रहे थे ऐसा कुछ। देखिए वही हम अभी जांच कर रहे हैं, हमने कई लोगों से बात की है तो एक्चुअली अभी तक किसी ने भी एग्जैक्टली ये बात नहीं बताया कि जमीन में आग लगी थी कि छत में आग लगी थी, आग कहाँ से शुरू हुई है ये एग्जैक्टली कोई भी बताने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल परिजनों से भी बात हुई है, हमारी स्टाफ से भी बात हुई है, मरीजों से भी बात हुई है, पर एग्जैक्टली जो है वो चीज़ सामने नहीं आ पाई है। देखिए आगे फर्दर जांच में कुछ मिल पाए। देखिए 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है, यहाँ पर जांच करते समय ऐसा कोई स्पेसिफिक बिंदु तय नहीं किया गया है। जांच करते समय जो भी पहलू हमको लगता है कि जिस पर जांच किया जाना चाहिए हम उस पर जांच करेंगे।